हर महादेव प्यारे महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, जैसे हम अपनी क्रियाएं डाल रहे हैं, हमारा जो मेन मकसद है अपने चैनल पे क्रियाएं डालने का, वो यही है कि हम अपनी बॉडी को दिव्य करें और जितने भी परमात्मा ने या महाकाल ने हमें पाठ दिए हैं, अब देखो उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट पाठ दिया है कान। ये जो कान दिया है ये वाला, इसमें क्या कितना डेलिकेट है, इससे हमें सुनता है। और कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं दिया प्रभु ने, दुनिया को सुनना है, प्रभु को भी सुनना है, गुनना है, मनना है, अंदर उसके विराग सुनने हैं, उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ दी है ये। तो कान के अंदर इतने सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को अगर हम दबा के, ये दबाया मैंने, ये कान को मैंने ऐसे दबाया, ऐसे उल्टा करके ऐसे दबाया, और अब मैं विराग करूँगा। अब विराग जब मैं कर रहा हूँ तो उससे कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होंगी, देखो उसमें असर किस पे पड़ेगा, टॉन्सल पे, अपेंडिक्स पे, एड़ी पे, घुटनों के जोड़ पे, उच्च रक्तचाप जो होता है दमा पे, शटका पे, कुल्ला पे, गुर्दा पे, मलेशिया पे, फेफड़ों पे, नाक के भीतरी भाग में, आँख में, मतलब इतने सारे पॉइंट हैं, मस्तिष्क है, दांत है, जिगर है, पलिया है, गर्दन है, कंधों का जोड़ है, कंधे हैं, घुटने हैं, पेट है, तो बहुत सारी इस पे देखो बीमारियां हैं। और इसको आपने साधक ने दबाना है और विराग करना है। विराग क्या करेंगे, श्री महादेव शंभू, श्री महादेव शंभू, हर महादेव शंभू, हर महादेव शंभू, शिव महादेव शंभू, शिव महादेव शंभू, माँ महादेव शंभू, माँ महादेव शंभू, शिव महादेव शंभू, जप महादेव शंभू, सुन महादेव शंभू, प्रभु महादेव शंभू, हर हर महादेव, पार्वती माँ की जय हो। तो प्यारे दोस्तों, ये दोनों हाथ पहले इस कान से कर लिया, फिर इस कान से कर लिया, तो ऑटोमेटिकली अंदर इको होगा। वो जो इको है वो दिव्य इको है, वो दिव्यता के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। दिव्य इको को जब सुनेंगे तो आत्म के सन्नाटे सुनने शुरू हो जाएंगे, उसकी आवाज़ें सुनेंगी। तो कान को हमने परमात्मा के लिए भी यूज़ करना है, सिर्फ दुनिया की गंदी और बेकार बातें नहीं सुननी, प्रभु का कीर्तन संकीर्तन राग विराग सुनना है और गुनना है। इसको आप करेंगे तो इतनी सारी बीमारियों पर असर होगा जो आपको पहले बताई है। हर हर महादेव।